ये मैंने अपने मेमोरी के लिए लिखा है कि इसके बारे में हमको बताना है, अभी कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने जब भी कुछ चीज़ें लर्न की है, सीखी है अपने जीवन में, तो मैं इसका हेल्प लिया हूँ, यानी अपने कलम पेन से इसी के थ्रू मैं सीखा हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया है वो हमारा इनर सिस्टम, यानी नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं 10 दिन पहले ही इसको बनाकर रखा, लेकिन वीडियो ना बनाने का जो रीज़न था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता था। तो ये आज मैं कुछ ऐसा आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो कि अभी तक वो चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिली होंगी। और वो ये है कि हम कई बार अपने वीडियो में आज 3 साल पहले भी उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें आज हम आपको क्लियर करेंगे। वो ये है कि अपने सेल्फ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को लिख रखा है ये अपने कि मैंने इसलिए कि जो इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर जस्ट ए टिनी पीस ऑफ द ब्रेन ऑफ ए मच बिगर यूनिवर्स। ठीक, ये यहाँ पे हिंदी में हमने भी इस चीज़ को लिखा है, ये जैसे इंग्लिश है यहाँ पे हिंदी है, आप एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के मस्तिष्क का एक छोटा सा टुकड़ा हो। ठीक, ये आपको नहीं यानी हम सबका, हम भी उसी में हैं। और नीचे लिखा हुआ है, जो अदृश्य है वही सत्य है, जो दिखता है वह सत्य नहीं है, जो नहीं बदलता वह है सिस्टम। ठीक है, इस यूनिवर्स का सिस्टम, ये मैंने अपने मेमोरी के लिए लिखा है कि इसके बारे में हमको बताना है, अभी कैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने जब भी कुछ चीज़ें लर्न की है, सीखी है अपने जीवन में, तो मैं इसका हेल्प लिया हूँ, यानी अपने कलम पेन से इसी के थ्रू मैं सीखा हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया है वो हमारा इनर सिस्टम, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में अंतःकरण। ठीक है, इनर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमने देखा है कि मिरर न्यूरॉन्स के बारे में सुने होंगे इस समय, जैसे यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स ये लिखा हुआ है, मिरर मतलब होता है शीशा, और न्यूरॉन्स मतलब होता है कि जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है मस्तिष्क का, या जो भी, जैसे नर्वस सिस्टम में कई सिस्टम होते हैं, जैसे हम ब्रेन को ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा जो नर्वस सिस्टम है तो उसका जो एग्जाम्पल है, एक मिनट पहले हम इसको बता देते हैं, व्हाट इज न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स इज ए बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये यहाँ पे ये है कि इसका ये जो न्यूरॉन्स है ये नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में क्या है कि इसका जो काम है ये ट्रांसमिटिंग में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे जानते हैं आप, जो वायर में करंट फ्लो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो करंट होते हैं वही यहाँ हमारे बॉडी के थ्रू आउट होता है, यानी हमारे से बाहर होता है। वो भी कैसे होता है, एग्जांपल हमें भी बताते हैं आपको। एंड केमिकल, यानी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों चीज़ें मिलकर, ठीक है, सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी से आउट होते हैं, तो बॉडी से आउट होते हैं वही कम्युनिकेट होता है। तो जैसे ये मिरर न्यूरॉन्स है, मिरर न्यूरॉन्स ये काम करता है कि जैसे हम आउटर को देखकर रीड आउट करते हैं, तो ऐसे इसी के द्वारा हम इनर को मतलब वो रीड करके उसे आउट करते हैं। कैसे, जैसे कोई चीज़ अंदर आया कि इसको ऐसे से बनाओ, तो इसी कलम के द्वारा हम उस पर ग्राफिक करते हैं, तो वो चीज़ें इनर से लाकर आउट करते हैं बाहर। और वो कहाँ से आ रहा है, अपने अंदर वो चीज़ को देखकर और उसे प्रकट करना। तो ये मिरर न्यूरॉन्स जैसे बाहर की चीज़ों को हम देखकर नकल करके उस चीज़ को एक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें एक कॉपी करना हुआ, लेकिन हम अंदर के जो कॉपी करने में मिरर न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमने इसका बहुत ही हेल्प लिया है, इसके बारे में हमको मालूम नहीं था, अब जाके इस चीज़ को मालूम हुआ कि हम कैसे कैसे इस चीज़ को लर्न किए, कैसे कैसे सीखे, वही चीज़ हम आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, आप अपने बारे में जाने कि किन किन चीज़ों से लैस हैं, किन किन चीज़ों का मतलब होता है, हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में सारे सेंसर्स के थ्रू जो है सारी चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, और उसी से सारे वर्क को सेंस करके उसे मतलब स्मार्ट बनाया जाता है, वैसे हमारा भी सिस्टम है। उसमें सिस्टम में 5 जो सेंसर्स हैं उसके बारे में जान लें, सबसे ज़्यादा और सबसे जो महत्वपूर्ण सेंसर है वो आई है। आई जो होता है ये विजन, यानी जो हम देखते हैं, तो देखने का जो हमारा आई ब्रेन होता है, आई ब्रेन हमारा पूरे बॉडी में सबसे उसी का जो है महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए वो महत्वपूर्ण है क्योंकि 80%, ठीक है, ये पूरा, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का है, ये तत्व है क्या, ये आई, जैसे आँख में आपके पानी भरे होते हैं देखते हैं, ये वाटर एलिमेंट हमारा जो है 80% पूरे बॉडी में, तो जितने भी सेंसेज हैं सबसे अधिक जो है इसका आई ब्रेन होता है। ठीक है, तो आई ब्रेन के थ्रू जो मिरर न्यूरॉन्स हमारा काम करता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई भी फॉल्ट को रीड आउट करते हैं तो यहाँ पे 80% ये काम करता है। ये तो कान ईयर जो है हमारा ये 10% है, 80% ये है, बाकी जो है अदर में आ जाता है सब। ये परसेंट इसलिए कह रहे हैं कि सबका अपना जो रोल होता है, तो सबसे अधिक अगर हमारा आई ब्रेन है
तो इसी के बारे में हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं ये कैसे, कि आज हमको ये चीज़ें मालूम हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी काम करते हैं, समझते हैं, उसमें जानते हैं, या कोई भी फॉल्ट को ट्रेस आउट करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो अंदर से मेरा न्यूरॉन्स काम करता है, तो इंटरनल थाट्स जनरेट होता है जिससे कम्युनिकेट होता है हमारे यूनिवर्स से। यूनिवर्स से जब कम्युनिकेट होता है तो उसी का जो है आंसर भी, अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से, जैसे हमारा सिग्नल मोबाइल से, जैसे मतलब वाईफाई ऑन हो गया, तो वाईफाई या ब्लूटूथ के मतलब थ्रू सिंक हो गए, तो ऐसे हमारे यूनिवर्स से जो चीज़ें हैं कनेक्टिविटी, अगर उससे हम कनेक्ट हो गए तो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे जो प्रॉब्लम है, ये उसी तरीके से सिंक होके और उसमें जो है अपने आप उसके आंसर मिलने लगते हैं और इससे से हाथ चलने लगते हैं। ये सेल्फ इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम, कि जैसे जैसे आपको इससे ऐसे विश्वास होता जाएगा, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो हमने इस चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा, जो इसमें काम करते होंगे, जो जानते होंगे इसके बारे में, तो जो नए होंगे उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन अगर वो पढ़े होंगे या इसके सब के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, तो कुछ कुछ बातों को हमारे रीड आउट करते होंगे तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। कैसे कैसे, जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर देते हैं कि जैसे हम जो चीज़ें बोल रहे हैं, तो बोलने से जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, यानी जब हम बोलते हैं तो माइक के थ्रू रिकॉर्ड होता है मोबाइल में, और रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि अगर ये बोले और रिकॉर्ड हुआ, तो रिकॉर्ड हुआ तो जो चीज़ें मेमोरी के रूप में गई, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल वेव है। अगर ये इलेक्ट्रिकल वेव है तो ये अंदर से इलेक्ट्रिक निकल रहा है, कि ये चीज़ें जो बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको हम बहुत गहरे में इस चीज़ को देखें, क्योंकि हम इसको बहुत ही एक डीप लेवल पे इस चीज़ को मैंने रीड आउट किया है, तो इसलिए इस चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अब अगर ये चीज़ें हमारी जो इलेक्ट्रिकल वेव फेंक रहे हैं, तो देखिए जब किसी को आप कोई चीज़ बोलते हो तो ये कितने तेज़ी से, अगर मेंटल से सोचे उस व्यक्ति को या वहाँ पे, और इस चीज़ को बोले, तो यही चीज़ें सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट हो जाती है वहाँ उसके माइंड में, ठीक है, किसके, जिसके लिए आप सोचे। हम भले आपके सामने बोल रहे हैं तो आप पे सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पे पड़ेगा जिसके बारे में हमने सोचा यहाँ, ठीक है, वहाँ पे जाके वो अगर वो रिसीव करेगा। तो इसीलिए देखिए उसी सिस्टम पे हमारे मोबाइल बने हैं। अब आ जाता है बॉडी लेवल पे। बॉडी लेवल पे देखिए, जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो भी स्टोर हो जाता है, यानी वॉइस भी स्टोर हो जाता है, और हमारा जो आउटर बॉडी है ये भी स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने का मतलब कि ये भी इलेक्ट्रिकल बॉडी है। तो अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उसे कॉपी करके बड़े आसानी से दूसरी जो है कॉपी हम बनाए मतलब बना सकते हैं। इसीलिए ये कॉपी शब्द जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यूज कर रहे हैं कि AI सिस्टम आर्टिफिशियल भी जो है एक बनावटी, उसे कॉपी ही कहा जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी चीज़ को कॉपी करके ये चीज़ें डिजाइन की जा रही है। तो जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल वेव या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसे कॉपी किया जा सकता है। इसमें एक आता है सबसे जो डीप चीज़ें हैं, वो है फीलिंग। फीलिंग क्या होता है, वो इमोशन से जुड़ा है। इमोशन क्या है, यानी कोई भी काम आप कर रहे हो तो क्या भाव है, तो भाव आप अंदर ही अपना खुद जानते हो, अगला नहीं जानता, जिसे बोलते हैं नियति, यानी किस भाव से आप काम कर रहे हो या किस नियत से काम कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें अभी इस पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, कि ये हर चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बनाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे हमारे मस्तिष्क कैसे कैसे काम करते हैं, विचार कैसे कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ों को जान लिया गया। और सबसे डीप है इमोशन, या उस समय सबसे ज़्यादा इमोशन पे काम किया जाता है, जो कि आँख से हमारा 80% अगर कोई रीडिंग जानता है, तो वो आँख के थ्रू इंटरनल इमोशन को रीड किया जा सकता है। आज इस वीडियो में इतना बताना चाह रहे थे, क्योंकि वीडियो अभी इसमें समझाने के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन इतना आप जानेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि 80% हमारा आई ब्रेन होता है। और देखिए सर्किट में, कोई भी मदरबोर्ड में, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं, फ्लो होते हैं, वोल्टेज है, करंट है, और हमारे अंदर भी है। तो कोई भी ऊर्जा शक्ति है तो एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे हमारे अंदर भी वोल्टेज और करंट की फ्लोइंग होती है और इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म काम करते हैं, तो ऐसे सर्किट में काम करते हैं, तो दोनों जब सिंक हो जाते हैं तो बड़े आराम से किसी चीज़ को रीड आउट किया जा सकता है, कि इसके फंक्शन क्या हैं। भले नेम किसी कंपनी के द्वारा दिया गया हो वो अलग बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की जो पावर होती है वो बहुत ही पीक लेवल पर अपने आप जो है वहाँ पहुँच जाती है। तो इस पर जब आप ध्यान देंगे, अपने इंटरनल इनर सिस्टम को देखेंगे, तब आप इस चीज़ को बहुत ही गहरे में जान पाएंगे। इससे हमने इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा फ्लो किया कि ये समझाना ज़रूरी था, कि कोई भी जैसे यूनिवर्स भेजता है, हम तो अपना तय करके पैदा नहीं हुए हैं, भेजा उसने है, तो यहाँ जो भी बोल रहा है एक हमारा इनर सिस्टम है, जिसे बोलते हैं सोल या आत्मा, हमारा नाम भी आत्मा मिश्रा है, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये इस चीज़ को इसलिए मतलब भेजा जाता है कि कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के लिए। मान लो हम यहाँ तक बता के गए कोई चीज़, इसके आगे क्या करना है, जब नए वर्जन पैदा होते हैं तो वो नया चीज़ लेकर आते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो वो जब अपने इंटरनल का काम करते हैं बाहर चीज़ों को देख के, या कोई यहाँ से एंड किया है, जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या कुछ अपने द्वारा नया चीज़ क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें सबसे अलग होती है।
तो इसलिए लगातार चीज़ें बदलती जाती हैं। जैसे हमारे पहले CRT था, ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर उसके बाद कलर टीवी था, फिर LCD था, फिर LED के बाद LED आया, LED टीवी के बाद जो है सारी चीज़ें बदलती जाए। इस समय देखिए टेक्नोलॉजी चेंजेज होते चले गए, जैसे एंड्रॉयड टीवी आ गया, स्मार्ट टीवी, तो ये सब पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि लगातार ये कन्वर्ट होते चले गए हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारे जो LED का जो सिस्टम है, पैनल पे जो पिक्चर बनते हैं वो देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेवफॉर्म में बनते हैं। क्योंकि जब हमने अपने उसमें वीडियो में देखिए समझाया है कि ये जो कॉलम होता है, जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है, और एक होता है रॉ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसी तरीके से हमारे वेवफॉर्म चलते हैं जहाँ जहाँ से हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो एक वेव ऐसे चलती है जिसे रॉ बोलते हैं, एक है ऐसे सीधे जिसे बोलते हैं कॉलम वर्टिकल, इसी पे सारे इमेज क्रिएट होते हैं। तो इसी पे आप देखते होंगे इस समय जो ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, अभी उतर गया है दिमाग से, जिसमें आप देखते होंगे चाइना वाइना में प्रचार के लिए लगता है कि ऐसे आगे निकल आया है, वो उतर गया दिमाग से। चलिए आगे मतलब समझिए इस चीज़ को। अब इसमें क्या है कि ये जो है रेज में देखिए रेजिस्टेंस का जब हम उसमें बता रहे थे, वहाँ भी इस चीज़ को हम एग्जाम्पल लिए थे कि जो 0 से 9 का उसका जो कोड रखा गया है कलर का, कि जैसे ब्लैक से और वाइट, यानी 9 हमारा वाइट लेवल है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी जो वर्टिकल यानी जो सीधी कनेक्टिविटी आ रही है ऊपर से आकाश से, ठीक है, यूनिवर्स से, कुछ भी कहिए मतलब वहाँ से, तो वो जो वोल्टेज है, ठीक है, वो जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल में जो रेडियो एक्टिव जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं, मतलब जितना अंदर से हम जान रहे हैं वही चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप दिमाग लगा लीजिएगा। तो जैसे क्योंकि आप खुद जब उस चीज़ को महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, तब तो आप उस चीज़ से सिंक होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। कि जैसे मोबाइल अपडेट होता है ना समय समय पे, ऐसे हम स्वयं भी अपडेट होते हैं, जिसे कहते हैं कि अब इनको समझ आ गया। 10 दिन मतलब 10 साल पहले इनकी समझ कुछ और थी, आज कुछ समझ और थी। क्योंकि आप देखते होंगे पहले जो किताब या बुक पढ़े होंगे या जो चीज़ जाने होंगे, और आज के लेवल पर वही फिर से अगर उसको घुमा कर देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग या देखने का उसका जो नज़रिया है बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि उस समय जो अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से हमने पढ़ा उसको, आज जो अंडरस्टैंडिंग है इस हिसाब से जो देखने की वो मतलब देखने का जो नज़रिया है, वो चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है, समय के अनुसार। तो इसमें अब जो जो चीज़ें नई नई आ रही हैं, तो ऐसे जो है यहाँ पे हमको भी उस चीज़ को रीड करना चाहिए। अब कहाँ पे हम इंड किए थे, ये बोल रहे थे कि जैसे वर्टिकल का जो सिग्नल है ये सीधे आता है, बीच में अगर रेजिस्टेंस देखिए कोई भी वोल्टेज अगर फ्लो कर रहे हैं, बीच में रेजिस्टेंस लगा दें तो वोल्टेज ड्रॉपिंग हो जाती है, ठीक है, किसके वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो ऐसे हमारे ऊपर जो सिग्नल आ रही है, जो रेज आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सन यानी सूर्य का जो है, हमने उसमें अपने एक वीडियो में बताया था वो चंद्रमा और सूर्य को लेकर, जो हमारा दोनों से एक इधर से और एक इधर से जो नाक से सांस चलता है, तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही ये ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमको ऊपर से देखना है कि इसमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, ये चीज़ें जितना कनेक्टिविटी फ्रेश होगा उतना आपका माइंडसेट बहुत तेज़ काम करेगा, किसी भी फील्ड में हो। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, हम आगे फिर बताते हैं आपको। आज वीडियो में सुना ही मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों।